तो हम अगर बात करें सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस की, बिफोर अमेंडमेंट इसमें बोलता था कि 15 डेज के अंदर कंपनी का अपने रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, लेकिन अब इसका टाइम बढ़ा के 30 डेज कर दिया है। दूसरे सेक्शन 12(4) में इसमें था कि 15 डेज के अंदर नोटिस चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन है आपको आरओसी को 15 डेज में फाइल करनी है, इसको भी बढ़ा के 30 डेज कर दिया है। रीज़न एकदम साफ है, आरओसी को अगर हम कोई वेरिफिकेशन फाइल करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो उसमें या तो आपका बेसिकली लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स जाता है, बिजली का बिल वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में। तो इसीलिए उन्होंने बढ़ा के टाइम जो है वो 15 से 30 डेज कर दिया सेक्शन 12 के अंदर। तो 12(1) और 12(4) के अंदर ये अमेंडमेंट है, दोनों में 30 दिन कर दिया है। उसी के साथ साथ हमारा ये एक स्लैब था जो मैंने कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट सेक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, बिफोर अमेंडमेंट क्या था और आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो गया है। बिफोर अमेंडमेंट अगर हम बात करें, पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, ऑफर और इनविटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। 42 सबसेक्शन 1 में लिखा है विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ 26 मे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। मतलब इन्होंने कहा कि विदाउट विदाउट हार्मिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 26 आप यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हो, लेकिन इस सेक्शन की कंडीशंस को पूरी करके। आफ्टर अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया है, अ कंपनी में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये नोट विद दिस विदाउट प्रेजराइज हटा दिया है। इस सेक्शन की कंडीशंस को पूरी करके आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हो। उसी के साथ साथ 42 सबसेक्शन 2 में सब्जेक्ट टू द 42(1) द ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इन्विटेशन सब्सक्राइब सिक्योरिटी शैल बी मेड टू सच नंबर ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग ऑन हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसकी जगह उन्होंने क्या चेंज किया, शैल बी मेड टू सच नंबर ऑफ पर्सन की जगह, सच नंबर ऑफ पर्सन की जगह इन्होंने किया है। आफ्टर अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया है शैल बी मेड ओनली टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। पहले जो था वो आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड नहीं था, लेकिन अब इन्होंने आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड नया ऐड किया आफ्टर अमेंडमेंट। सेक्शन नंबर 42 सबसेक्शन 2 के अंदर ये चेंज हुआ है। 42 सब और सारा सेम है, और सब कुछ सेम है, बस यही एक चेंज हुआ है कि जो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन खाली था उसकी जगह हु हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, ये चेंज हुआ है। सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं, 42 सबसेक्शन 3 के अंदर क्या चेंज हुआ है, नो फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड अनलेस अलॉटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफर और इन्विटेशन हैव बीन कंप्लीटेड टू दैट ऑफर। इसकी जगह आया है अ कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट शैल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब टू द आइडेंटिफाइड पर्सन हुज नेम आर रिकॉर्डेड इन कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये पूरा ही चेंज कर दिया है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी डाला है। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। 42 सबसेक्शन 4, सेक्शन 42 सबसेक्शन 4 के अंदर इन्होंने क्या चेंज किया है, पहले क्या था, एन ऑफर एंड इन्विटेशन नॉट इन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट इस सेक्शन को फॉलो करके नहीं माना जाता, लाया जाता, तो ट्रीट कर लिया जाता है पब्लिक इशू और उसको सेबी और एससीआरए के सारे प्रोविजन पूरे करने पड़ते हैं। आफ्टर अमेंडमेंट इन्होंने चेंज किया है, एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन विलिंग टू सब्सक्राइब टू द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल अप्लाई टू प्राइवेट प्लेसमेंट अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन टू अलॉन्ग विद सब्सक्रिप्शन मनी चेक डीडी और अदर बैंकिंग चैनल्स नॉट बाई कैश प्रोवाइडेड शैल नॉट यूटिलाइज मनी रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस अलॉटमेंट इज मेड। इन्होंने यहाँ पे पॉइंट डाला है कि जो पैसा होगा जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हम फंड रेज करेंगे वो हम बैंकिंग चैनल के थ्रू करेंगे, हम कैश में पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे। ये आपका चेंज आया 42(4) में आफ्टर अमेंडमेंट। पहले उन्होंने बात करी थी अगर कॉन्ट्रावेंशन में आप लाओगे तो पब्लिक इशू माना जाएगा, पहले जो था उसकी जगह पॉइंट आया कि बैंकिंग चैनल के थ्रू आप फंड रिसीव करोगे, और अगर आपने आप जो ये पैसा रिसीव करोगे इसको सिर्फ अलॉटमेंट के लिए यूज कर सकते हो, इसके अलावा आपको कहीं पे इसको यूटिलाइज नहीं करना। नेक्स्ट अगर पॉइंट करें की बात करें 42(5) सेक्शन 42 सबसेक्शन 5, इसने बोला ऑल मनी पेबल टुवर्ड सब्सक्रिप्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड थ्रू चेक, जो अभी मैंने चेंज करके 4 में आया है वो पहले 5 में था। आफ्टर अमेंडमेंट इसमें आया नो फ्रेश ऑफर इन्विटेशन शैल बी मेड अनलेस अलॉटमेंट, जब तक अलॉटमेंट ना कर दो तब तक आप कोई फ्रेश इशू नहीं ला सकते। 42(6) के अंदर जो चेंज इन्होंने किया है, 42(6) के अंदर कोई खास चेंज नहीं है, सेम है। उसी के साथ 42 सबसेक्शन 7 में टोटली चेंज हो गया है आफ्टर अमेंडमेंट, क्या आया है,
नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट मीडिया मार्केटिंग और एजेंट्स इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज अबाउट इशू. जब तक वो पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म नहीं कर देती तब तक वो इस तरीके का इशू नहीं ला सकती है. 42(8) भी पूरा चेंज हो गया है. कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट अंडर दिस सेक्शन शेल फाइल विद रजिस्ट्रार अ रिटर्न ऑन अलॉटमेंट विद इन 15 डेज. मतलब इसमें इन्होंने रिटर्न फाइल करने की बात करी है कि अलॉटमेंट की रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं आरओसी को फाइल करनी है अलॉटमेंट के बाद. 9 के अंदर बोला है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो ₹1,000 रोज और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो ₹25,00,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, 25 लाख से ज्यादा नहीं लगेगी. 10 के अंदर इन्होंने बोला है कॉन्ट्रावेंशन है कि अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करते हो और आप फंड रेज करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹2,00,000 और जितना पैसा आपने रिसीव करा उन दोनों में से कम मिनिमम और मैक्सिमम. एंड कंपनी ऑल्सो रिफंड ऑल मनी विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज प्लस आपको उनका टोटल पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा. 42(11) के अंदर जो दिया है इन्होंने वो ये दिया है कि अगर अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनी कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है और सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन कर देती है तो उसमें पब्लिक इशू डीम कर लिया जाएगा और सेबी एससीआरए के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे. ये 42 के चेंज में मैंने बताया जो कि लगभग 11 के 11 सेक्शंस इन्होंने चेंज किया प्राइवेट प्लेसमेंट में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अगर आपको इसकी नोटिंग स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो आप इन पर्टिकुलर नंबर्स जो यहाँ पे शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, नंबर शो हो रहे हैं 4×9607333, इसके अलावा ये नंबर यहाँ पे 9213758668, 9818196678, इन नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सअप आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं.